हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। और आज हम बात करेंगे हमारे नीट यूजी 2029 का मतलब मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का पूरा ही अच्छी तरीके से पूरा 2019 से लेकर 2022 के पूरे पीवाईक्यू देखेंगे। इससे पहले आपको पूरी 12th की बायो का जो पीवाईक्यू है मैंने पूरा आज कंप्लीट करवा दिया है। पूरे चैप्टर का पीवाईक्यू आपको करवा दिया है, लगभग 2 दिन में मैंने पूरा पीवाईक्यू आपको करवा दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि 10 मिनट से ज़्यादा मैंने कोई 10 या 20 मिनट से ज़्यादा कोई पीवाईक्यू में लगे होंगे। बस आपको बस 2x की स्पीड पर बस देखते जाइए, फटाफट देखते जाइए, ठीक है। बस आपको एक काम करना है, फटाफट देखते हैं, साथ आपको इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और इसको कमेंट भी करना है और सब्सक्राइबर भी आपको बढ़ाने, प्लीज बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं आपका प्रेजेंटेशन। इन विच ओविल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी इन अ पेरिफेरियल पार्ट, ठीक है। पेरिफेरियल की अगर बात कर रहा है तो 73 का अगर बात करेगा तो पेरिफेरियल की अगर बात कर रहा है तो पेराइटल आ जाता है, क्या आ जाता है, पेराइटल पार्ट में देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द रूल फैलोटॉक्सी। रूल फैलोटॉक्सी की अगर पता होगा, आपको बहुत बार करवा चुका है अभी, रूल फैलोटॉक्सी टैक्सी किसके अंदर, एल्स्ट्रोनिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ना, एकदम सही है। उसके बाद बाई कैपिलरी ओवरी विद द ऑब्लिक प्लेस सेप्टम इज सीन इन, बाई कैपिलरी ओवरी, बाई कैपिलरी ओवरी विद ऑब्लिक प्लेस सेप्टम किसकी बात कर रहा है बता दीजिए। अगर आपको पता होगा इसके अंदर किसकी बात कर रहा है, सोलेनम की बात कर रहा है। बाई कैपिलरी ओवरी विद द ऑब्लिक प्लेस सेप्टम सीन इन सोलेनम, ठीक है। उसके बाद बेसल एक्सियल पेराइटल और फ्री सेंटर, बेसल की अगर बात करोगे तो किसके अंदर देखने को मिल जाता है बता दीजिए। बेसल की अगर बात करोगे तो अगर आपको पता होगा बेसल आपका डायंथस में देखने को मिल जाता है। एक्सियल की अगर बात करूंगा तो एक्सियल आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है बता दीजिए आपका, एक मिनट, बेसल का गलत हो गया हमारा, बेसल हमारा सनफ्लावर के अंदर देखने को मिल जाता है। बेसल हमें कहाँ पे देखने को मिल जाता है, सनफ्लावर में नहीं, सनफ्लावर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एक्सियल आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, चाइना रोज के अंदर। उसके बाद पेराइटल अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे पेराइटल की अगर मैं बात करूंगा, मस्टर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आपका फ्री सेंट्रल जो प्लेसेंटेशन है किसके अंदर देखने को मिल जाएगा, डाइंथस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, बेसल आपको सनफ्लावर में मिल रहा है, एक्सियल आपको चाइना रोज में देखने को मिल रहा है, पेराइटल आपका मस्टर्ड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपने अच्छी तरीके से मॉर्फोलॉजी का अगर देखा होगा, वहाँ पे पेराइटल वगैरह हर चीज के बारे में बात कर रखी है और मैंने उसका डायग्राम के थ्रू और आपको काफी सारे क्वेश्चन के थ्रू वहाँ पे बता भी दिया था, आई थिंक सो। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखा मार्जिनल एक्सियल वगैरह देखा था, मार्जिनल अगर आपने देखा होगा तो मार्जिनल में हमने पी का देखा था, एक्सियल में चाइना रोज टोमेटो लेमन के बारे में बात की थी, पेराइटल में हमने मस्टर्ड और एग्रीसोम की बात की थी, फ्री सेंट्रल में डायंथस और प्राइमरोज की बात की थी, ठीक है, और बेसल में आपका सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड की बात की थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका रे फ्लोरेट हैव, रे फ्लोरेट ऑफ द एक्सटीरियर किसकी बात कर रहा है, ये आपकी हाफ इंफीरियर या फिर इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी की यहाँ पे बात कर रहा है। कुकुम्बर ग्वावा एंड रे फ्लोरेट ऑफ द फ्लावर हैविंग द कैसी देखने को मिल जाती है इनके अंदर, इंफीरियर ओवरी, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका नीट 2022 का जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ना कि पीवाईक्यू मॉर्फोलॉजी कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद The root that originated from the base of the stem is, जो आपका root जो है आपका base of the stem से अगर आपका निकल रहा है तो उसको fibrous root कहते हैं, primary root कहते हैं, prop root कहते हैं, बता दीजिए क्या कहते हैं आपका, अगर पता होगा तो उसको fibrous root हम कहते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओवरी विद हाफ इंफीरियर प्लम प्लम्प रोज पीच आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, प्लम्प रोज पीच, PPR, ठीक है, हाफ इंफीरियर प्लम्प रोज पीच फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सम ऑफ द प्लांट देखिए थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन सच फ्रूट आर थम, किसको कहते हैं इसको, फॉल्स फ्रूट कहते हैं ना इसके अंदर, कि ट्रू फ्रूट कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं जिसके अंदर किसके अंदर देखने को मिलता है, एप्पल के अंदर देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद करेक्शन करेक्ट द पोजिशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट ओवर द थैलेमस इन द मस्टर्ड प्लांट, आपको जो है करेक्शन करा है फ्लोरल पार्ट में ओवर द थैलेमस ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज, बता दीजिए किसकी बात कर रहा है आपका, पहला ही देखने को मिला है जो गाइनोशियम आपको प्रेजेंट होता है हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो इट, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लिलियसी, लिलियसी के लिए बता दीजिए, अगर आपको लिलियसी का पता होगा तो लिलियसी में ये तो आपका सोल्वेंसी का हो गया, ठीक है, ये सोल्वेंसी का हो गया, ये भी आपका सोल्वेंसी का हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 3-3 और आपका जो 82 का जो है 3 वाला जो मेरे को लिलियसी का देखने को मिल रहा है, ठीक है।
ये आई थिंक सो फेबीसी का है, 9 वाला जो है फेबीसी, देख लेना मुझे इसका पता नहीं है, पर आपका जो थर्ड वाला है आपका लीलेसी का बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एगेव इन द टर्म एगाव, एगेव टर्म एज एगाव टर्म अगर आपको देखने को मिल जाता है किसके अंदर देखने को मिल जाता है, ऑफसेट या फिर आई के अंदर देखने को मिल जाता है, बता दीजिए आपको अगर पता होगा तो। ये आपका बुलीबिल, बुलीबिल के बारे में बता देता है, बुलबिल के बारे में बता देता है। ठीक है, उसके बाद आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ द मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट, बोथ फ्रूट आर डॉट फ्रूट, एकदम सही है क्या, पहला वाला आपका एकदम करेक्ट है। उसका एंडोकार्प की अगर बात करूंगा, इज एडिबल इन बोथ, नहीं एंडोकार्प एडिबल नहीं है आपका। मीजोकार्प ऑफ द कोकोनट जो आपका एडिबल है, और आपका जो मैंगो के अंदर फ्लेशी के अंदर देखने को मिल जाता है, ये थर्ड भी सही है। ठीक है, और द बोथ द फ्रूट आर द मोनोकार्पुलरी ओवरी, ठीक है मोनोकार्पुलरी ओवरी देखने को मिल जाता है, जो कि सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी भी आप कह सकते हो इसको, ये भी आपका करेक्ट आ जाता है। तो ये करेक्ट है यार, थर्ड वाला रॉन्ग किसने कर दिया, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आ जाएगा। तो ये फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आपको एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। डायएडल्फस कंडीशन, डायएडल्फस ऑफ द स्टेमेन आर फाउंड इन, किसके अंदर देखने को मिल जाता है डायएडल्फस कंडीशन, किसके अंदर देखने को मिल जाती है बता दीजिए। डायएडल्फस मेरे को पी के अंदर देखने को मिल जाती है क्या, बता दीजिए, एकदम सही है, डायएडल्फस कंडीशन मेरे को पी के अंदर देखने को मिल जाती है। पहला बता दीजिए, अगर आपको पता होगा ए किसकी बात कर रहा है, ए की अगर मैं बात करूंगा आपका किसकी बात कर रहा है, ए की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो ये आपका फेबेसी फैमिली, जैसे मैंने बताया था 9 जो नंबर आ जाता है, ये आपका सोल्वेनसी, 2 वाला जो है आपका ब्रेसिकेसी, ये 3 वाला लीलिएसी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था, फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2022 का, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। द लीफ आर मॉडिफाइड इनटू द पॉइंटेड हार्ट थॉर्न इज द सिट्रस इन बोगनवेलिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है क्या, बता दीजिए आपको। 87 का अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे गलत है, ये गलत हो गया। एक्सिली बर्ड ऑफ द सिलेंडर स्प्रिंगली कॉइल टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन के अंदर देखने को मिल जाता है, एकदम सही है। स्टेम इज अ फ्लैट एंड फ्लेशी इन ओपियंटा एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द लीव, एकदम सही है। उसके बाद राइजोफोरा शो द वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प इन गेट ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, एकदम सही है। सब एरिलेरी ग्रो इन अ स्टेम इन ग्रासेस स्ट्रॉबेरी हेल्प इन अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी आपका सही है। तो कितने सही हो गए, बी सी डी ई आपके एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद द फ्लावर ऑफ द जाइगोनोमॉर्फिक, जाइगोनोमॉर्फिक किसके अंदर देखने को मिल जाता है, मस्टर्ड डतुरा चिली, किसके अंदर देखने को मिलता है, मस्टर्ड डतुरा चिली, किसके अंदर देखने को मिल जाता है, मस्टर्ड डतुरा एंड चिली, नहीं डतुरा एंड चिली ही दे रखा है क्या यहाँ पे, मस्टर्ड केसिया इन गुलमोर, मस्टर्ड केसिया इन गुलमोर। जाइगोनोमॉर्फिक का अगर मेरे को पता है, मेरे को जाइगोनोमॉर्फिक के जो एग्जाम्पल एक बार देख लेता हूँ मैं जी, बुक में देख लेता हूँ मैं एक मिनट, क्योंकि ये चैप्टर यार अच्छे से करना है आपको, लास्ट में भी इसके जो एग्जाम्पल है याद नहीं रहते हैं, इन टाइम पे थोड़ा सा ये हो जाता है। ठीक है, जाइगोनोमॉर्फिक की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर आपको जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, मस्टर्ड दतुरा इन चिली, ठीक है मस्टर्ड है, दतुरा है और चिली है, तो मैंने वजह से बात की थी, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई है ही नहीं, डी और ई है, ए भी कर दो इसके साथ, तो आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था। उसके बाद आपका एक्टिनोमॉर्फिक के बाद अगर जाइगोनोमॉर्फिक अगर पूछ लिया तो आपको कभी कभी आपको एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई थिंक सो मैंने आपको एक्टिनोमॉर्फिक के बताया या जाइगोनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल बताया, वही मैं अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल में फंस गया हूँ, तो सॉरी जो है ये आपको जो है जाइगोनोमॉर्फिक के मैंने एक्टिनोमॉर्फिक के आपको एग्जांपल बता दी, गलत हो गया। ठीक है, एक मिनट अच्छे से कर लेते हैं इसको। आपका जाइगोनोमॉर्फिक के जो एग्जांपल है आपको याद रखने, पी गुलमोर केसिया, ठीक है पी बीन गुलमोर एंड केसिया, पी बी गुलमोर एंड केसिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, बी और सी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, और पी और बीन्स के अंदर भी देखने को मिल जाता है। मस्टर्ड दतुरा चिली आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर देखने को मिल जाता है। देख लीजिए इस तरीके से आपको जो है एंड टाइम पे आप अगर एग्जाम्पल भूलना लग गए तो आपका बड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आपका जो है
बी एंड सी आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो द वेक्सिलरी एस्टिवेशन इन अ डायडल फॉर स्टेमन। आपका वेक्सिलरी आपका जो है अगर आपको पता होगा एस्टिवेशन और डायडल फॉर स्टेमन भी देखने को मिल जाते, किसके अंदर देखने को मिल जाते बता दीजिए आपको, पेनिसियम सटाइवन, पेनिसियम पीसीएम सटाइवन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्लोरल डायग्राम आपको जो दे रखा है किसका दे रखा है बता दीजिए किसका दे रखा है आपको फ्लोरल डायग्राम आपका ब्रेसिकेसी फैमिली का दे रखा है। उसके बाद आपका लीस्ट दे रखा है इन ब्रैकेट वेलवेट वेक्सिलरी ट्विस्टेड, बता दीजिए इन ब्रैकेट की अगर बात किया होगा तो आपको पता होगा इन ब्रैकेट किसके अंदर देखने को मिल जाता है कैलिट्रोपिस, क्या इन ब्रैकेट आपको कैलिट्रोपिस में देखने को मिल जाता है कि किसके अंदर देखने को मिल जाता है बता दीजिए आपको। इन ब्रैकेट की अगर मैं बात करूंगा ये केसिया के अंदर देखने को मिल जाता है, वेलवेट आपका जो है वेलवेट आपको किसके अंदर देखने को मिल जाता है, वेलवेट आपको किसके अंदर देखने को मिल जाता है आपका कैलिट्रोपिस के अंदर, वेक्सिलरी बीन्स के अंदर, ट्विस्टेड आपका कॉटन के अंदर। तो इस तरीके से आपको इन ब्रैकेट वेलवेट आपका जो है सीक्वेंस जो दे रखा है आपका वेलवेट ट्विस्टेड इन ब्रैकेट वेक्सिलरी, वेलवेट ट्विस्टेड इन ब्रैकेट एंड वेक्सिलरी, वेलवेट का कैलिट्रोपिस, इन ट्विस्टेड का आपका जो है कॉटन लेडी फिंगर एंड आपका किसके अंदर देखने को मिल जाता है कॉटन लेडी फिंगर एंड चाइना रोज के अंदर देखने को मिल जाता है। वेक्सिलरी किसके अंदर देखने को मिल जाती है, वेक्सिलरी पी और बीन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। इन ब्रैकेट आपका इन ब्रैकेट की अगर मैं बात करूंगा तो केसिया एंड गुलमोर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपका सेकंड ऑप्शन चले जाएगा। तो इसी के साथ आपकी मॉर्फोलॉजी का पूरा ही मैंने यहाँ पे बता दिया, आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, थैंक यू सो मच।